त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण का नामांकन पर दाखिल करने का पैच। नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन में प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगा दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले पार्टी लेवल पर नहीं हो रहा हो, पार्टियों के सिंबल का प्रयोग नहीं हो रहा हो, लेकिन लोहरदगा विधानसभा सीटों पर पंचायत चुनाव सियासी रूप से लिया है। जिला परिषद सीट पंचायत समिति सदस्य पद के सीटों के लिए कांग्रेस और झामुमो पर्दे के पीछे से कोशिश में लगे हैं। कोई भी उम्मीदवार पार्टी लेवल से चुनाव नहीं लड़ रहा, बावजूद कुछ उम्मीदवारों को पार्टी का सक्रिय समर्थन मिल रहा है। मैं आज नामांकन दाखिल कर रही हूँ। मेरा मुद्दा है बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा। महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या करेंगे आप? महिला सशक्तिकरण को लेकर मैं उन्हें रोजगार देने का प्रयास करूँगी। बच्चों को और खास करके महिलाओं के लिए जो आप शिक्षा व्यवस्था कर रही हैं, किस तरह से तैयारियां कर रखी हैं आप? सर्वप्रथम जो महिला मंडल है, जो महिला नहीं जुड़ी हुई हैं उनको मैं जोड़ने का प्रयास करूंगी, और जो छोटे बच्चे हैं उसे आंगनबाड़ी केंद्र में सुनिश्चित भाग लेने के लिए कहूंगी। प्रखंड वासियों से क्या अपील करेंगे आप? प्रखंड वासियों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि वे मुझे निसंकोच होकर वोट दें। मैं उनके वोट को बेवजह बेकार नहीं जाने दूंगी। रोकना तो अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।